आता है तो मेरा काम अपील करना आपसे कि आप 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, अपने परिवार के सभी मेंबर कोई भाग गया हो उसको बुला लो, आस पास के रिश्तेदारी में हो कहीं और हो उनको बुलाओ, वोट की कीमत बहुत होती है, इसलिए अपने पड़ोसी रिश्तेदार किसान भाई मजदूर भाई दुकानदार भाई सभी लोग अपना अपना वोट इसमें डालें। आपको बता दी बात बहुत होती है साढ़े 9 साल में हरियाणा सरकार के नाते, क्योंकि सब कुछ नहीं हुआ करते, हो सकता है रह गई हो, खास करके हमारी बहने माताएं जिनको तकलीफों का ज्यादा पता होता है। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा 6 जून के बाद आपकी सब बातें जो आपने पहले पहुंचाई होंगी या आगे देंगे वो सब को पूरा करेंगे। अपने गरीब लोगों के लिए घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा दिए, पानी का नल पहुंचा दिया, सबके घरों में लग गई शौचालय जिसको इज्जत घर करेंगे वो सबके घर में हो गए, और महिलाओं को तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को कुछ न कुछ काम देने की योजना, उनको लोन देना बिना ब्याज के देना और उनके सामान की बिक्री शहरों में करवाना ये हमने शुरू किया है। मोदी जी चाहते हैं कि हर महिला हमारी जो है बहन वो कम से कम लखपति हो जाए, अपने परिवार को खुद से पाल सके, बच्चों को पढ़ा सके, और पढ़े लिखे बच्चे फिर बिना किसी पत्ती गति के नौकरी में जा सके। 5 लाख रुपए का हमने बीमा कराया है, जो लोग गरीब बीमार हो जाए उनके इलाज के लिए कोई पैसा घर से नहीं खर्च करना पड़ता, हर किसी को 5 लाख का बीमा करा दिया। भाई बहनों मैं बातें बताने के लिए बहुत बता सकता हूँ, लेकिन हमारे किए हुए काम चाहे मोदी जी के चाहे हरियाणा सरकार के, आज हरियाणा की जनता बहुत खुश है, उसी नाते से हमको मोदी जी को आज मैंने गारंटी दी है हरियाणा की 10 की 10 सीटें देंगे, और ये गारंटी किसके आधार पर, आपके आधार पर दी है, देनी चाहिए थी कि नहीं दी है ना, तो इस बार उनको हमने संख्या जो उन्होंने बताई उसको पार करना है। इस बार 400 पार में एक सीट आपके करनाल की है, और यहाँ कैंडिडेट आपका भाई मनोहर लाल, आप ध्यान रखना 25 तारीख को चार्जर डालना और 6 जून के बाद इन गांव में फिर से मैं धन्यवाद दौरे के लिए आऊंगा, आपसे और बातें करूंगा, और जो धन्यवाद मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देने का काम किया, सभी विश्वास दिलाए कि 25 तारीख तक आप सभी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल बनकर इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे, और बड़े भारी से भारी मतों से आप माननीय मनोहर लाल जी को जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे, मोदी जी की टीम में भेजने का काम करेंगे, सभी नौजवान सभी भारत माता का एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता की।
रहेगी। माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करने के लिए आप सब आए हैं, आप सब का दिल से बहुत बहुत आभार। और 25 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मतों से माननीय मनोहर लाल जी को विजयी बनाने का काम करें, प्रोफेसर साहब और पूरी टीम। हरिओम जी, सभी सरपंच साहब, सभी मेरे बुजुर्गों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जी, एक चेयरमैन साहब भी हैं यहाँ पर, जसमेर जी, गजान जी, पवन जी, प्रोफेसर बलवंत जी, हरिओम जी, नरेश जी, अंकुर जी, राजपाल, रमेश, सुभाष जी, सारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करने के लिए आप यहाँ आए। आप सभी 25 तारीख तक नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल बनकर आपने चुनाव को लड़ना है। मनोहर लाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपसे अपील करें। Thank you.
तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त करनाल की घरौंडा से आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। घरौंडा में ये चुनावी प्रचार मनोहर लाल का इस वक्त आप देख सकते हैं, अपने काफिले के साथ जनता से संपर्क करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल। चाचा नौकरी लग गई है, दो कड़क चाय बना मोदी दो। जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातपात सब खत्म हो जाते हैं। और जब